बार ये पोखरण से जहां एक युवक ने पीएम मोदी से इच्छा मृत्यु की मांग की है। पुलिस की कार्य प्रणाली से परेशान होकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है इस युवक ने। घर में 50 लाख की चोरी से आहत है ये युवक और पुलिस एक साल बाद भी चोरी का कोई खुलासा नहीं कर पाई। दो बार भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और इसके बाद पोखरण के इस युवक ने प्रधानमंत्री मोदी से सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। घर में 50 लाख की चोरी हुई थी जिसके बाद से युवक आहत था। पुलिस की कार्य प्रणाली से परेशान है। दो बार भूख हड़ताल की धरना प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको बता दें पोखरण के एक युवक ने इच्छा मृत्यु की मांग की और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। घर में 50 लाख की चोरी से इतना आहत है ये युवक कि इसके बाद में पुलिस की कार्यप्रणाली और दो बार भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद से आहत है परेशान है और इच्छा मृत्यु की मांग की है वो भी सपरिवार। कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मांग की गई है कि इतना परेशान हो चुका है व्यवस्था से सिस्टम से कि उसने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली और वो भी सपरिवार। पोखरण का ये युवक है जिसने पीएम मोदी से इस तरह की मांग की है जो कहीं ना कहीं किस तरह से शिथिलता दिखा रहा है प्रशासन की पुलिस की इसके ऊपर इंगित कर रहा है पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर सवालिया निशान बना रहा है उठा रहा है कि अगर ये युवक आवेश में आकर के या अवसाद में आकर के कोई बड़ा कदम उठा लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जब एक युवक सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि क्यों इस तरह का भाव किसी भी नागरिक के मन में आता है। 50 लाख की चोरी हुई थी इस युवक के घर में इसके बाद से आहत था। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में इसने भूख हड़ताल की धरना प्रदर्शन किया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में इतना परेशान हो चुका है कि इसने प्रधानमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली। आपको बता दें इच्छा मृत्यु जो है एक जुर्म माना जाता है और हमारे संविधान में हमारी व्यवस्था में इच्छा मृत्यु का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले एक साल से मेरे घर में चोरी हुई है कोई तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार चक्कर काटने पे थाने के चक्कर काटने पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है। एसपी साहब से भी मिल के आया हूँ आईजी साहब से भी मिल के आया हूँ सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया गया। आज मैं एसडीएम के आगे पेश हुआ हूँ और उनको भी ज्ञापन दिया है अगर 20 तारीख तक कोई कार्रवाई या खुलासा नहीं करते हैं तो 21 तारीख को पूरे परिवार सहित हम और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। गिरिराज खुले में व्यक्ति है का चेतावनी दे रहा है कि अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो सपरिवार आत्मदाह कर लेगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा। बहुत गंभीर है ये मामला क्या कुछ अपडेट। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवक मुकेश व्यास जो पोखरण शहर का निवासी है तो करीब 29 अगस्त 2022 को इसके घर पे 50 लाख रुपए के करीब चोरी हुई थी। उस दरमियान उसने पुलिस प्रशासन से FIR भी दर्ज करवाई लिखित ज्ञापन भी दिए कई प्रशासनिक अधिकारियों को इसको लेकर अवगत भी करवाया कई बार इसने धरना प्रदर्शन भी किया परंतु महज आश्वासन के अलावा इसको कुछ नहीं मिला। इसने दो बार एक भूख हड़ताल भी की और करीब 10 से 15 दिन तक जी बिल्कुल गिरिराज जी बहुत ही गंभीर मामला है कि इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज।